ये देखिए नन्हे नन्हे से पिगलेट्स है, ये लेके आए हैं अभी हम फार्म से। लगभग लगभग इनको 10 दिन हो चुके हैं हमारे कांगड़ा पिग लोडिंग स्टेशन पर। और इनको हम अभी जो फीड है, जो ड्राई फीड है, वो थोड़ा वेट करके खिला रहे हैं, गीला करके खिला रहे हैं ड्राई को, ताकि जो वाटर इनटेक है, जो लिक्विड इनटेक है, वो प्रॉपर रहे, वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहे। क्योंकि इनको लगभग लगभग एक हफ्ते तक हमने बिल्कुल ड्राई फीड खिलाया और अंदर पानी रखते थे तसले में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर फार्मिंग स्ट्रक्चर है वो तो नहीं है। इसलिए देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से इनको पाल रहे हैं हम। देखिए पहले तो ये पिगलेट्स देख लीजिए आप, उसके बाद में ये पानी का तसला रखा हुआ है। इसमें से जिस तरीके से फार्म में टूटी से पानी पीते हैं अच्छे से, उस तरीके से पानी नहीं पी रहे थे, इसलिए थोड़ा डाइल्यूट किया इसको, थोड़ा पानी में मिक्स करके लगभग आधे घंटे पहले इसे छोड़ते हैं। और उसके बाद में अब जो वाटर इनटेक है फीड के साथ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उससे जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है गर्मी के मौसम में, पानी की कमी हो सकती है बच्चों में, वो नहीं होगी। तो प्रचुर मात्रा में इनके अंदर जिनका फीड है वो भी जाएगा और साथ साथ वाटर इनटेक अमाउंट भी बढ़ेगा। सो इस वीडियो में यही है, मुजफ्फरनगर की ये वीडियो है हमारे कांगड़ा पिग लोडिंग स्टेशन पे। और देखिए ये पिगलेट्स जो कि लगभग लगभग 10 दिन हमें हो चुके हैं यहाँ पे लेके आए, अभी भी ये ज़्यादा बड़े हैं नहीं, छोटे ही है। और इनको हम ड्राई फीड पे ही पाल रहे हैं।